वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो कलर का बहुत ही सुंदर सा पैटर्न। ये बच्चों के स्वेटर में बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में भी बहुत सिंपल है। ये इसका फ्रंट लुक है, ये इसका बैक साइड। ये आप 3+1 के मल्टीपल से बना सकते हैं। आइए हम इसको बनाते हैं। आप बॉर्डर के बाद इस डिजाइन को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ये हम दूसरा कलर ऐड कर रहे हैं। दूसरे कलर से ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है, इसे मैं बना लूंगी एक सीधा और ये डिजाइन का है 3 सीधा और चौथा ये स्किप करना है इस तरह से। फिर 3, 1, 2, 3 और 1 को स्किप करना है 1, 2, 3। ये हमारा फर्स्ट रो है, बहुत सिंपल। ये 3 और फिर ये एक्स्ट्रा फंदा, इसे मैं बना लेती हूँ। इस डिजाइन का ये सेकेंड रो होगा, जो जैसे बना है, यानी मैंने 3 सीधा बनाया तो इधर से 3 उल्टा और जो स्किप किया है उसके लिए आप देखिए 1, 2, 3 स्किप इस तरह से। जिसे मैंने स्किप किया था इसे स्किप कर लिया। ये देखिए 1, 2, 3 फिर इसे से 1, 2, 3 1, 2, 3 ये एक्स्ट्रा से मैं बना लेती हूँ। ये हमारा थर्ड रो आ गया। थर्ड रो आप दूसरे कलर से बनाइए। ये 3 सीधा जो है, इस 3 सीधे को देखिए, ये थर्ड रो है। हम फर्स्ट को उल्टा, सेकेंड को सीधा और थर्ड को उल्टा। और जिसे मैंने स्किप किया था उसे आप देखिए 1 से फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड 3 निकालना है। फिर फंदे आगे की ओर, 1 उल्टा, दूसरा सीधा, फिर उल्टा। 1 से 3 निकालना है, 1, 2 और 3। फिर वही चीज, सेम चीज हमें रिपीट करना है और इसी तरह आपके जितने भी फंदे हो रिपीट करते हुए आगे बढ़ते चलिए। फिर इसे 1 से 3 निकालना है हमें, ये फंदे नहीं गिरने चाहिए, 1, 2 और 3। फिर 1 उल्टा, सेम चीज और सीधा, ये एक्स्ट्रा फंदा हमारा इस तरह से। ये हमारा डिजाइन का फोर्थ रो है और डिजाइन भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए, इसे हमें प्लेन उल्टा बनाना है, जो 3 1 उल्टा सीधा हमने बनाया था और फंदे पीछे की ओर, 1 से जो 3 निकाला इस 3ों को हमें सीधा बनाना है। इस तरह से सीधा बनाना है, फिर इसे 3 को उल्टा फिर इस 3 को सीधा और इसे हमें उल्टा। 3ों फंदे में एक साथ डालने हैं, जिसे मैंने 1 से 3 निकाला था और उसे 1 बनाना है। फिर इस 3 को प्लेन उल्टा,
ये एक्स्ट्रा फंदा है, आप उल्टा सीधा जो चाहे बना सकते हैं। ये देखिए छोटा छोटा और बहुत सुंदर सा डिजाइन हमारा तैयार हो गया। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा लगता है। आप पूरे स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में खासकर आप डाल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और आपको अब यहां से फिर वही चीज सेम करना है। ये मैंने ये स्किप किया था, तीन सीधा बनाइए एक स्किप कीजिए, तीन सीधा बनाइए एक, जो फर्स्ट रो में था वही चीज रिपीट होता चला जाएगा। ये देखिए बहुत सुंदर लगता है बनके, और बहुत बहुत कम समय में ये डिजाइन भी तैयार हो जाता है। बहुत खूबसूरत पैटर्न है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।